हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जूनियर 2018 के टीयर फर्स्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। पहले हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी, प्रीवियस ईयर की क्या वैकेंसी थी, किस में कितनी वैकेंसी थी, ये सब जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड, ये हमारे पास कुछ पिछले ईयर का डाटा है 2017 का। इसके अंदर जैसा कि आप सबको पता है कि वैकेंसी जो थी बहुत कम थी, सिर्फ 341 ही पोस्ट थी और इसके अंदर लगभग 10 लाख फॉर्म भरे गए थे और जो पेपर देने के लिए कैंडिडेट गए थे वो लगभग 6 लाख के करीब या फिर 5.5 लाख के करीब थे। अगर इसके अंदर इन्होंने अपनी पोस्ट का 15 गुना लिया या 20 गुना लिया, एक पोस्ट पर इनके जो फाइट कर रहे थे वो थे 16,715 कैंडिडेट थे, यानी कि कंपटीशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हाई था। और अगर ये अपनी पोस्ट का उस समय इन्होंने 15 गुना लिया, हाल तो ऐसा किसी को पता नहीं कि कितना गुना लिया था, लेकिन मैंने एक अप्रोक्सीमेट डाटा अपने से बताया है, अपने नॉलेज से बताया है कि अगर 15 गुना लिया होता तो 5.5 लाख में से लगभग 5,115 बच्चे लिए गए होंगे, और 20 गुना लिया होगा तो 6,820 कैंडिडेट लिए गए होंगे। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इतना कंपटीशन होने के बाद भी इसकी जो कट ऑफ थी वो 55 या 60 ही गई थी। और लोग कह रहे हैं आरआरबी में इतनी सारी वैकेंसी, 14,000 के लगभग वैकेंसी होने के बाद भी कह रहे हैं कि इनकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। अब आप ही सोच के बताइए कि जब एसएससी, जो कि इतना डिफ़िकल्ट पेपर होता है, इतना डिफ़िकल्ट उसमें कंपटीशन होता है, इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है, वो 341 पोस्ट के लिए जो कट ऑफ बना रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ये देखिए एसएससी जूनियर इंजीनियर 2017 की कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूआर के लिए 117 नंबर गई थी। ये सिविल के लिए बता रहा हूं मैं, ओबीसी के लिए 110 नंबर, एससी के लिए 101 नंबर, यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग 58% तो गई थी जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 55% और एससी के लिए 50%। इतना कंपटीशन होने के बाद भी जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा नहीं गई सिविल की बात करें तो। और अगर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो यूआर के लिए 68%, ये 200 में से नंबर हैं, और ओबीसी के लिए 66% और एससी के लिए 120%, यानी कि 60% गई थी। अगर सिविल वालों के लिए देखा जाए तो कट ऑफ 50% ही थी। और इस बार की कट ऑफ मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। वही अगर टीयर टू के बारे में देखा जाए, जो 2017 में पेपर हुआ था, जो कंबाइंड नंबर ऐड होते हैं जिसके टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के जो 500 हो जाते हैं, उसमें सिविल की जो गई थी वो यूआर, ओबीसी और एससी, एसटी, ओएच और एचएच की आप देख सकते हैं कि 48%, 48%, एससी की 44%। और अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आप अगर देखते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आप देखते हैं तो 60%, 59% और 53% आपकी गई थी दोनों की अगर मिला दी जाए तो। अगर हम सिर्फ बात करते हैं टायर टू की, जो 300 मार्क्स का होता है, उसके अंदर अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दोनों की देखी जाए तो सिविल की 42% यूआर के लिए, 44% ओबीसी के लिए और 39% एससी के लिए। मेनली तो ये तीन कैटेगरी होती हैं, बाकी आप देख सकते हैं नीचे। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 55% और ओबीसी के लिए 55% और एससी के लिए 49%, और बाकी आप एसटी, ओएच और एचएच के लिए देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन होने के बाद भी जो कट ऑफ कही है या जो जा चुकी है या जो जाएगी, वो इतनी वैकेंसी के बाद भी, 341 वैकेंसी के बाद भी इतने लोगों ने फॉर्म भरा था, करीबन 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और देने लगभग 6 लाख के या 5.5 लाख के करीब थे, उसमें भी जो कट ऑफ गई थी वो सिर्फ अगर देखा जाए तो इतनी कुछ ज़्यादा नहीं गई थी। और इस बार की
जो कट ऑफ है वो आपको जैसा कि पता ही है कि वैकेंसी हमारे पास इस बार बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ हमारी इस बार थोड़ी कम रहेगी। तो ये 2018 की मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ, टीयर फर्स्ट की। इसके अंदर लगभग आप कितना भी फॉर्म भर लें, कितने भी भर लें, जो 2 से 2.5 लाख या 3 लाख बच्चे रहते हैं, कंपटीशन उन्हीं के बीच रहता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बार वैकेंसी जो हैं वो 601 है, और सिविल वैकेंसी हैं सबसे ज़्यादा 1297, बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मिला के 304 वैकेंसी हैं। इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो जो कट ऑफ रहेगी कैटेगरी UR OBC SC ST सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 105 तो रहेगी UR के लिए, और 105 मैक्सिमम रहेगी OBC के लिए, और मिनिमम रहेगी 95, और सिविल में SC के लिए 85 से 95 रहेगी, और सिविल के लिए ही ST की 80 से 90 रहेगी। ये आपके रॉ मार्क्स हैं, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं है। और इलेक्ट्रिकली में आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आप जैसे देख सकते हैं, 110 से 120, 100 से 110, 95 से 105, और 90 से 100। नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुश्किल से आपको 3 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे अगर आपकी हार्ड शिफ्ट हुई तो। वैसे इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप नॉर्मलाइजेशन हैं तो भी आपके नंबर 4 या 5 बढ़ जाएंगे, तो भी आपका क्लियरली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो पिछले मुकाबले थोड़ी कम ही जाएगी, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 1601 वैकेंसी है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो लाइक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाऊं, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।